हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज रात 8:30 बजे विविज एक्सप्रेस की क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपकी एक मैराथन क्लास है और करंट अफेयर्स की आज आपके सामने पूरी पीडीएफ फाइल आपके सामने है और ये पूरी पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की आपके टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप इसमें करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए। देखिए, आप क्लास बिल्कुल स्लो होगी, आराम से आप क्लास को पढ़िए आप आराम से। भारतीय वायुसेना ने सुकोई 30 MKI कौन सा स्क्वाड्रन, तो उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो मेरे पहचो बताइए आप इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए आप, भारतीय वायुसेना सुकोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन अभी चेन्नई के पास थंजावुर में शामिल किया गया है। नाम है टाइगर सॉर्क्स। इसमें देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा, जेपी नड्डा, ये निर्विरोध। क्लियर? चलिए, आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाना बिल्कुल भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है और सीधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पूरी करंट की पूरी पीडीएफ फाइल जैसे क्लास कंप्लीट होगी आपकी टेलीग्राम पर ये अपलोड कर दी जाएगी और टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते, टेलीग्राम पर आप देख सकते हो आप। अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो अपना प्ले स्टोर से जाए, टेलीग्राम को ऐप से डाउनलोड करके और उसमें दिशा एकेडमी दादरी लिखे तो आपका टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाओगे। देखिए आप, आंध्र प्रदेश राज्य की तीन राजधानियां अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आरबीआई द्वारा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आरबीआई ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है, तो उसका नाम है मणि। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, मणि है। चलिए आप, इसका नाम क्या रखा गया, मणि इसका नाम है। चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है तो आपको सही क्लिक किस पर करना है, मणि पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्पोर्ट्स चैनल ESPN ने तीसरी बार स्पोर्ट पर्सन फीमेल ऑफ ईयर का लगातार तीसरी बार अवार्ड किसको दे दिया है, तो मेरे पहचान यहाँ पर लिखा हुआ है पीवी सिंधु। कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी 2019 का बेस्ट पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसको चुना है, मनप्रीत सिंह, तो राजेंद्र पेचौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पैचो, ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसका संबंध आपसे पूछ सकता है कि राजेंद्र जो पेचौरी है का निधन हुआ है तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, राजेंद्र पेचौरी कौन से क्षेत्र से संबंधित, तो मेरे प्यारे इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन थे, IPCC के चेयरमैन थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गए, राजेंद्र पेचौरी। चलिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य चीफ गेस्ट कौन थे और कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में चीफ गेस्ट कौन थे, बोलसोनारो कहां के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं।
चलिए आप व्योम मित्र क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्योम मित्र क्या है तो मानव रहित महिला रोबोट है, मानव रहित महिला रोबोट जिसे गगनयान मिशन के लिए परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, गगनयान मिशन के लिए परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो मेरे प्याचो आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य भारत में कौन सा है, कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो मेरे प्याचो आपका सही आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स की आपके सामने पीडीएफ है, कोई भी क्लास को मेरे भैया क्लास को छोड़कर ना जाए, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, मत नोट कीजिए, आप नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है और उसके बाद पूरी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। एक बार सुन लोगे तो टेलीग्राम को एक बार सुन लोगे तो पीडीएफ को याद करने में मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे और डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देंगे। देखिए आप, सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य मध्य प्रदेश आपने लगाया, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन रिपोर्ट में नंबर वन वन में कौन आया, मध्य प्रदेश। चलिए आप, 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत जो हुआ वो कौन से स्टेडियम में हुआ, उसका नाम क्या है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, मोटेरा स्टेडियम। तो मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी ले रही है और एसएससी आपको घुमा सकती है और क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्वागत हुआ वो कौन से स्टेडियम में हुआ, उस स्टेडियम का नाम क्या है और वो स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में है और उस राज्य के कौन से शहर में है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कितनी की है, 65 वर्ष निर्धारित की है मेरे पैसे 65 वर्ष। भारत सरकार के चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन है, विपिन रावत, कौन है मेरे प्याचो, विपिन रावत। चलिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ोगे आप, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध मामले में शीर्ष स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में शामिल खेल कौन सा लिया गया है, साइकिलिंग को लिया गया है, साइकिलिंग। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर, गुवाहाटी असम। तो मेरे प्याचो आगे देखिए आप क्वेश्चन, ICC और अंडर 19 विश्व कप 2020 में टूर्नामेंट कौन था, यशवी जसवाल। एक क्वेश्चन देखिए आप, महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर निर्धन लोगों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया तो उसका नाम क्या था, उस योजना का नाम क्या था, शिव भोजन थाली योजना। मेरे प्याचो उसका नाम है शिव भोजन थाली योजना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन जीता है, तो मेरे प्याचो इसमें सही आंसर, बिल्कुल सही आपका सटीक आंसर लगा हुआ है, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विनिंग सिक्सर किसने लिखी है, बुक है और इसका राइटर डब्ल्यू वी रमन। साइबर सेफ वोमेन योजना कौन से राज्य की योजना है, साइबर सेफ वोमेन योजना कौन से राज्य की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। मेरे प्याचो आगे देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलें, डोर स्टेप बैंकिंग समझौता रेलवे व SBI बैंक के बीच है। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डोर स्टेप बैंकिंग समझौता कौन किस किस के बीच में है, तो आपको बताना है रेलवे व SBI के बीच, रेलवे व SBI के बीच। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
आपदा मोचन बल एकेडमी की आधारशिला रखी किसने है? नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी जो शिला रखी है, आधारशिला जो रखी है, वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 में कहां पर संपन्न हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? केरला में पड़ता है, और ये केरला की राजधानी है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया, तो मेरे प्याचो इसमें मई 2020। नेक्स्ट देखोगे आप समाधान ऐप, ये क्वेश्चन है, समाधान ऐप किस मंत्रालय ने चलाया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा? समाधान ऐप किस मंत्रालय ने चलाया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देन है। और मेरे प्यारे बच्चों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आज वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, करंट का क्वेश्चन आपको डिक्टो वहां सुनाई पड़ेगा, आप बिल्कुल आपके याद रहेगा। अगर आप पीडीएफ से भी या आप मैगजीन से भी आप तैयार कर रहे हैं, आप तो सिर में दर्द होता है, तब मेरे पैचो आपका जो सिर में दर्द है या करंट को लेकर आपके वो याद नहीं हो रहा है, बार बार आप भूल रहे हो, आप इसीलिए मैं यहां पर क्वेश्चन को बोल रहा हूं जिससे कि आपके वो याद आ जाए और आप उसे आसानी से याद कर सको। आप ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश की मदद की है? तब मेरे पैचो इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। चलिए आप कलवी थोलाई काची आरंभ तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा, और ये क्या है? अन्यन शिक्षा टीवी चैनल है, अन्यन शिक्षा टीवी चैनल। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे पैचो देखिए आप, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एकांगुआ अर्जेंटीना में है। और को फतेह करने वाली काम्या कार्तिकेयन, जिनका दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की जिन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांगुआ पर फतेह या उसका पर्वतारोहण इसने किया है। बहुत रिकॉर्डेड क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया। आप इसकी पूरी पीडीएफ फाइल आपको दिशा एकेडमी की टेलीग्राम से आप उसे ले सकते हैं। आप जिन मेरे प्यारे बच्चों ने दिशा एकेडमी दादरी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से इस पूरी पीडीएफ फाइल को, करंट अफेयर्स की पूरी पीडीएफ फाइल, जितना आज होगा वो भी प्लस और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में हमने डाल दिए, तब मेरे प्यारे बच्चों आप वहां से उनको ले सकते हो आप। और हिस्ट्री की पीडीएफ भी हमने डाल दी है, और जो सब्जेक्ट बच रहे हैं एक दो दिन में वो भी आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएंगी। तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू हुआ? अखिल भारतीय व्यापारी संघ के द्वारा। एक क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपके जो सीएम बने तो कौन से नंबर के बने? तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सीएम अरविंद केजरीवाल। और स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है? वीके पॉल। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि दिल्ली का आप पेपर दोगे तो मेरे प्याजो अरविंद केजरीवाल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पर आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो आप, जून 2020 में भारत ने टिकटॉक शेयर इट यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। तो मेरे पैर जो 59 ऐप हैं, और भी बाद में ऐप ऐड हो गए थे, बट आपसे एक पूछेगा कि किसके अंतर्गत, किसने प्रतिबंध लगाया? तो सूचना प्रौद्योगिकी के
एक्ट 2000 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए आप, प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा किसने की है? सबसे पहले प्लाज्मा बैंक किसने बनाया है? दिल्ली ने बनाया। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा किसके द्वारा हुई है? दिल्ली सरकार के द्वारा हुई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किसको किया गया है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है? गैरसैंण। और किसके द्वारा घोषणा हुई है? त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, जो वर्तमान उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो मेरे प्याचो सही आंसर है, देखिए आप, हुबली स्टेशन कर्नाटक। अब से पहले कौन है? गोरखपुर का है मेरे प्याचो, गोरखपुर वाला। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 को आप ध्यान से देखें। पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू कौन से राज्य ने किया है? पहला ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंध्रा ने स्टार्ट किया है। एक रिकॉर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? मणिपुर के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर समझौता भारत व भूटान के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे आप, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने, मनसुख मंडाविया। और ये जो हाइजीन एक्सपो 2020 है, ये किसका है? फिक्की द्वारा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, फिक्की का फुल नेम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ, देविका, यह कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देविका और पुनेजा नामक दो पुलों का उद्घाटन कहां पर हुआ है? देविका उधमपुर में है और पुनेजा नाम का जो सेतु पुल है वो डोडा में है। तो मेरे प्याचो दोनों पुलों का जो उद्घाटन हुआ है वो कौन से कहां पर हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम चलते हैं। देखिए आप, कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किया गया, और कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर। तो मेरे प्याचो इन क्वेश्चनों को आप एक बार रिपीट करें, क्या लिखा हुआ है? चलिए आप, कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेरे पैचो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। खाद्य एवं कृषि FAO, आप समझते हो, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है मेरे प्याचो, भारत। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल तरीका से आपके सामने लिख दिया है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। एक किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आप, बुकलेट COVID-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन एजुकेशन को NCERT ने किस वैश्विक संगठन के साथ तैयार किया? तो मेरे प्याचो उसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को। नेक्स्ट देखिए आप, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन। तो सुषमा स्वराज, तो मेरे प्याचो कौन, यानी कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज निधन हो गए हैं, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सुषमा स्वराज। आगे देखिए आप, जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर, जो गोवा के CM रहे हैं, इनका भी निधन हुआ है। जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है उसका नाम है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो मेरे पैचो आज वर्तमान में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर है? मनोहर पारिकर के नाम से है। नेक्स्ट देखिए आप, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स
रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन से भारत 79% पक्षियों की तादाद घटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 46 को आप समझने की कोशिश करें। ये सर्वे किया है, स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड्स रिपोर्ट आई है और उसमें भारत में पक्षियों की जो तादाद घटी है 79% पक्षियों की तादाद घट गई है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड में चुन लिया गया है। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है और काशी महाकाल एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया चंदौली में। कहां पर? चंदौली में। एक गाड़ी एक्सप्रेस का नाम है महाकाल एक्सप्रेस, पीएम इसका उद्घाटन, इसको हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिलाओं के पोषण। क्वेश्चन है, सुपोषित मां अभियान का संबंध किससे है? आप यहां पर इसको पढ़ सकते हो आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ। कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 9 अप्रैल। कार्य दिवस 2020 में किस दिन मनाया गया? तो मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा 9 अप्रैल। देखिए आप, गूगल ने 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा कहां पर कर दी है? दिल्ली में कर दी है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। और मेरे प्यारे देखिए आप, प्रज्ञाम नामक मोबाइल एप्लीकेशन झारखंड ने लॉन्च की है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल चलाया गया है और ये पोर्टल किसने चलाया है? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन नमस्ते किसका अभियान है, किसका मिशन है? भारतीय सेना का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया, तो उस कार्यक्रम का नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR बोलते हैं इसको, ने कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की और उसको क्या नाम दिया? चमगादड़ प्रजाति में। मनरेगा, तो देखिए आप, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया कहां पर? छत्तीसगढ़ में। मनरेगा जो योजना है उसमें सबसे ज्यादा रोजगार भारत के कौन से राज्य में मिला है? छत्तीसगढ़। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, नोट मत कीजिए आप, आपको पूरी पीडीएफ फाइल आपकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 तो किसने जीती है? बोस्टन शहर में यूएसए में हुई है और विजेता कौन है? सुदर्शन पटनायक। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, देखिए आप, भारत सरकार ने BS 6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? हरी रंग की पट्टी। भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है मेरे प्याचो, कहाँ बताओगे आप? उत्तराखंड। रोको अभियान कौन से राज्य सरकार का अभियान है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार का अभियान है। नेक्स्ट देखो आप, मास्क पहनने के लिए रोको जो अभियान का उद्देश्य है वो मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करना है, रोको अभियान। राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड विजेता कौन है? दीपांकर घोष, और ये भारतीय पत्रकार हैं। आगे देखिए आप, भारत
में युवा इंडिया का नाम का गठबंधन शुरू किया गया, किसने? यूनिसेफ ने। स्टार्टअप ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी मिली, किसने दी? कर्नाटक। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा स्लो तरीका से पढ़ें और इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। पीएम मोदी जी द्वारा किस समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत हुई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए आप मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71 पढ़ें आराम से। क्वेश्चन नंबर 69, महानदी कॉल फील्ड्स लिमिटेड ने 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की, कौन से राज्य में? ओडिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, WHO द्वारा, देखिए आप मेरे प्याचो, WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया COVID-19। तो WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? COVID-19 नाम दिया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन मीन्स नव प्रवर्तन, नया टेक्निक, नया कुछ अपनाना। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से पायदान पर है? 48वें स्थान पर है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 72, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहली महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए किसको? शिवांगी सिंह को चुना गया। और टाइम पत्रिका स्क्वाड्रन टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय किस अभिनेता को शामिल किया है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, आयुष्मान खुराना। भारत के 5 बड़े नाम शामिल इसमें हुए, पीएम नरेंद्र मोदी जी, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना और एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल और शाहीन बाग धरने पर शामिल बिल्किस को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलिए आप, क्वेश्चन नंबर 74 मेरे प्याचा आपके सामने लिखा हुआ है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से पायदान पर है? 105वें पायदान पर है। आर्थिक आजादी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से पायदान पर है? 105वें पायदान पर है। तो मेरे प्याचो, इन क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़ें, इनमें लिखा हुआ क्या है लिखिए आप, पढ़िए आप आराम से। चलिए आप, पढ़ाई तुहार पैरा योजना कौन से राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ की योजना है। निशिकांत कामत का निधन हुआ है, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता रहे हैं। और पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आप मेरे पैचो बता देना, फिल्म निर्माता। मंडू आडी ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन। मेरे प्याचो, देखिए आप, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरभजन सिंह। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना दोनों ने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट और सन में दोनों ने संन्यास ले लिया है। देखिए आप, इंदिरा वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। अब यहां पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन आपके सामने कुछ है, कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी राशि दी है? 200 मिलियन यूरो की राशि दी है, 200 मिलियन यूरो की राशि दी गई है। तब मेरे प्याचो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। H1B सहित कई तरह के वीजा पर रोक लगा दी गई है दिसंबर 2020 तक यूएसए ने, किसने लगाई है? दिसंबर 2020 तक यूएसए ने सभी प्रकार के वीजाओं पर रोक लगाई है। G7 सात विकसित देश, G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, किसने? जापान ने आपत्ति जताई है, जापान ने। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्याचो, एक एक क्वेश्चन आया आपको डिक्टो दिया गया है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, 600 मेगावाट के खोलो गंदू
जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर समझौता किस किस के बीच हुआ है? भारत भूटान। तो मेरे पे भूटान में जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ रखा गया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एसआई सदस्य वर्ष 2021 से 2022 तक में भारत कौन सी बार अपना अप्लाई किया है और इसका मेंबर बन जाएगा 21 से 22 में, 2021 से 22 की तरफ दिसंबर 2022 तक रहेगा, तो आठवीं बार यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किसने किया है? यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता कौन से देश ने किया है? वियतनाम ने किया है। न्यूजीलैंड के वर्तमान पीएम कौन है? जेसिंडा। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा है। और विश्व बैंक और भारत सरकार ने $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं? 750। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है। 80% का टैरिफ लगाया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, टैरिफ से मतलब क्या होता है? टैरिफ कैसा टैक्स होता है? आयातों पर लगाया गया टैक्स मेरे बच्चों क्या कहलाता है? टैरिफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता भारत व यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे आप, एयर बबल समझौता भारत व मालदीव के बीच, एयर बबल समझौता भारत में मालदीव के बीच हुआ है इसराइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है मेरे प्यारे, संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया भर में पहला परमाणु बम हमला की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई 6 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी द हाइएस्ट पेड एक्टर्स 2020 में 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं में एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 यूनाइटेड किंगडम में, और कहां पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ यह सम्मेलन, और इसकी मेन थीम क्या थी? द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। चलिए आप एक क्वेश्चन देखिए आप, एफएटीएफ की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चाइना ने की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई का कार्यबल ने अपनी लिस्ट में शामिल किसको किया? पाकिस्तान। तब मेरे ये जो एफएटीएफ है, तो यहां पर मेरे प्याजे एक ऐसी संस्था है जो देश किसी पैसे का गलत फंडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको आईएमएफ से वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा है और उस फंडिंग को देश के विकास में न लगाकर हथियारों पर लगाया जा रहा है, तो वहाँ की निगरानी भी कौन करता है? एफएटीएफ। तो मेरे भैया एफएटीएफ ने अपनी सूची में किसको शामिल कर लिया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है वो उस फंडिंग को, उस पैसे को कहाँ लगाता है? हथियारों में लगाता है। तो इसको वार्निंग यहाँ पर दी गई है फंडिंग में कि आपको आगे से आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी अगर आप विकास के पैसा को, देश के डेवलप के पैसा को अगर आप हथियारों में लगाओगे। देखिए आप अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 9 फरवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका में हुई और विजेता टीम कौन सी है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैश्विक पहल .first.org पहल विश्व आर्थिक मंच, वर्तमान रूस पीएम मिखाइल, वर्तमान रशिया के पीएम कौन है? मिखाइल हैं। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पूरी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से ले लेना। अगर मेरे पैचों आप क्लास में बने रहोगे, सुन लोगे, तब पीडीएफ आसानी से याद हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? देखिए आप, समझाना इसमें कुछ भी नहीं है। G77 की अध्यक्षता फिलीपींस के बाद किसने की है? गुआना
गणराज्य ने और कैथरीन जॉनसन नासा की गणितज्ञ है और इनका निधन 101 वर्ष की उम्र हुआ है। ये बड़ा चर्चित वर्ड क्वेश्चन है। फिल्म कौन सी हिडन फिगर्स से प्रसिद्ध है? और एक क्वेश्चन देखोगे आप, परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान UNHCR द्वारा, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन काउंसिल रिसर्च। तो मेरे प्याचो स्टेप विद रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कौन होते हैं मेरे प्याचो? वो होते हैं शरणार्थी। कौन होते हैं? शरणार्थी। अभियान किसने चलाया है? UNHCR ने चलाया है। पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, पैरासाइट। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी किसने की है? अंक टाड के द्वारा हुए, अंक टाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन फरवरी 2020 में भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 किसके नाम हुई है? महिला एकल खिताब किसने जीता? सोफिया। और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ को बताया है, समझाया है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। तो नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे पैचो, बढ़िया कंटेंट के साथ आपके लिए फिर एक क्वेश्चन है। देखिए आप ये आपका हुआ। चलिए आप इसमें नेक्स्ट मेरे पैचो, देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ ये आपकी फाइल यहां पर। चलिए आप एक अच्छे कंटेंट के साथ यहां पर आप मेरे पैसे देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चिंत रहे, पूरी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आप वहां से इसको ले लेना, आप कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप, तब मेरे प्यारे जो मैंने आपको लाइव क्लास में करंट में भी मैंने आपको जो आपके सूचकांक है, जो इंडेक्स है, प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक, यहां से क्वेश्चन आने का पूरे पूरे चांस है। 100% यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार आपसे देख लीजिए कि भारत इनमें कौन से, किस में कौन से पायदान पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, और पूरी पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। देखिए आप एनवायरमेंट प्रदूषण सूचकांक 2020, तो मेरे पैचो 180 देशों का सर्वे हुआ। 180 देशों का जब सर्वे हुआ और एनवायरमेंट में पाया गया कि पहला देश डेनमार्क। आपको यहां पर लिस्ट में कुछ भी नहीं देखना है, पहला देश देखिए और इंडिया का पायदान देखिए आप। इंडिया इसमें कौन से पायदान पर है? 168वें पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2020, 163 देशों का सर्वे हुआ जिसमें फर्स्ट नंबर सिंगापुर है। अब मेरा प्यारा भारत कौन से नंबर पर है? यहां पर देखिए आप 43वें स्थान पर भारत है। लास्ट में कौन सा चला गया है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 115 देशों का सर्वे हुआ जिनमें फर्स्ट नंबर किसको मिला? स्वीडन को मिला। और इंडिया कौन से पायदान पर चला गया? 74वें स्थान पर चला गया। चलिए आप मानव विकास सूचकांक 2019, 189 देशों का सर्वे हुआ और पहले पायदान पर कौन आया? नॉर्वे। इंडिया कौन से पायदान पर चला गया? 129। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020, 153 देशों का सर्वे हुआ जिसमें पाया आयरलैंड नंबर 1 और इंडिया 112। इंडिया 112 मेरे प्याचो आप। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020, 56 देशों का सर्वे हुआ जिसमें स्वीडन नंबर 1 है, इंडिया नंबर 9 पर है। आगे देखिए आप, और सबसे लास्ट में कौन सा देश गया? यूएसए गया। यूएसए इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, लिख दिया है मैंने यहां पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 190 देशों का सर्वे हुआ और पाया कि न्यूजीलैंड यानी कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में नंबर 1 है। यानी न्यूजीलैंड के अंदर बिजनेस करना बहुत सुगम है, बहुत सरल है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड। इंडिया में इतना आसान नहीं, 63वां पायदान। और सबसे लास्ट में कौन सा? सोमालिया। भ्रष्टाचार,
तो देखिए आप मेरे प्याजो, भ्रष्टाचार इंडेक्स 2020 में 180 देशों का सर्वे हुआ और जिनमें पाया कि फर्स्ट नंबर डेनमार्क, इंडिया मेरा प्यारा इंडिया कौन से नंबर पर यहाँ आया, 80वें स्थान पर। चलिए आप वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज 53 देशों का सर्वे हुआ जिनमें यूएसए फर्स्ट नंबर और 40वें पायदान पर कौन सा देश हमारा भारत आ गया मेरे प्याजो भारत। हेनेल पासपोर्ट सूचकांक 199 देशों का सर्वे हुआ, फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश चला गया, जापान, और फर्स्ट नंबर जापान, इंडिया 84वें पायदान पर। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 167 देशों का सर्वे हुआ जिनमें फर्स्ट नंबर किसको मिल गया, नॉर्वे, और इंडिया कौन से पायदान पर चला गया, 91वें स्थान पर भारत गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 153 देशों का सर्वे हुआ, फर्स्ट नंबर कौन से देश को मिला, फिनलैंड को मिला, और इंडिया कौन से पायदान पर चला गया, 144। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिशा एकेडमी दादरी चैनल की आप क्लास देख रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन आपको क्वालिटी के साथ आपके सामने रख दिया गया है। अब पूरी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से आप ले लीजिए, आप यानी कि साइट पर ही हमने डाली है। अब हमने उन बच्चों के लिए भी सब कुछ दे दिया है जो मेरे प्यारे साइट पर ज्वाइन नहीं थे, वो जो कोर्स को परचेज नहीं कर पाए उनके लिए भी हमने पूरी पीडीएफ फाइल को डाल दिया है और पूरा करंट पढ़िए आप। 90-95 वीडियो तो मेरे प्याजो विविध एक्सप्रेस की मैंने आपको डाल दिए हैं। जिन मेरे प्याजो ने एक्सप्रेस की वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, अच्छे से नोट किया है, उस मेरे प्यारे बच्चे का दिल्ली पुलिस का पेपर तो बिल्कुल भी फेल नहीं होगा और किसी भी एग्जाम में बैठेगा, कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। कुछ छोड़ा भी मैंने नहीं है, 4-5 महीने में इतने कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन में मैंने आपको इतना जीएस में पढ़ा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा कंटेंट और अच्छे तरीका से स्मार्ट तरीका से आपको शायद कोई नहीं करा पाएगा, ये बिल्कुल मेरा आपसे वादा है। और इस एक्सप्रेस की क्लास के साथ मैं आपके साथ हमेशा बने रहूंगा, यानी कि दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ हम एक्सप्रेस की क्लास लेकर नहीं आएंगे। तो मेरे पैचो आप और आपके लिए गुड न्यूज दी जाती है, एक्सप्रेस की क्लास नहीं, आपको और भी क्लिप और भी और जो टॉपिक है आपके वो टॉपिक भी आपके ऑर्डर में रेगुलर क्लासेस से आपके यूट्यूब पर मिलेंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हफ्ता 10 दिन के बाद एक नई समय सारणी आएगी जिसमें यूट्यूब पर आपको पूरा 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 आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए आप विश्व प्रेस संदर्भ सूचकांक 2020 180 देशों का सर्वे हुआ, फर्स्ट नंबर कौन सा देश है, नॉर्वे, और भारत कौन से पायदान पर है, 142। अवार्ड देखिए आप, देखिए आप मेरे प्याजो किसी मेरे प्यारे बच्चे ने अगर अवार्ड तैयार नहीं किए हैं तो दिल्ली पुलिस में अवार्ड भी आपसे पूछे जाएंगे। एक एक अवार्ड आपके सामने पूरी मेहनत के साथ जितने भी सब इम्पोर्टेंट सारे जितने भी अवार्ड हैं आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, कोई आपसे कोई चोरी नहीं है। पूरा जितना भी अवार्ड है टोटल आपके सामने एक्सप्रेस में लेकर आया हूँ, वादा किया था आपसे, और यही अवार्ड आपकी टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। पूरी पीडीएफ फाइल आपको वहां पर दिखाई देगी, आप वहां से उसको ले लेना। देखिए आप मेरे प्याचो आप ई पंचायत अवार्ड 2020 सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अधिक उपयोग के लिए कौन से राज्य को यह अवार्ड मिला है, हिमाचल प्रदेश। किसी मेरे प्यारे बच्चे का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अगर दिशा एकेडमी दादरी के चैनल से जो बच्चा जुड़ा रहा है एक्सप्रेस की क्लास के साथ लाइव क्लास के साथ, तब मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस में करंट चाहे 20 नंबर का है या 15 का है, आएगा दिशा एकेडमी के डिक्टो जो पीडीएफ फाइल है इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा और 100% इसी में से एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो वहां दिखाई देगा। देखिए आप करमवीर चक्र अवार्ड 2020 सुनील यादव, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो चार को दिया गया है, चार के नाम यहां पर पढ़ लेना मेरे प्याचो आप, लिखा हुआ है ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन, अमीना दानी जियो, चार को मुख्य रूप से यहां पर अवार्ड दिया गया है। गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2018 योही ससाकावा WHO के कौन है, सद्भावना दूत को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु अवार्ड 2019 किसको दिया गया है, सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन को मिला है। एबेल अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया है, एक एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ फाइल आपकी है, टेलीग्राम से आप इसे वॉच कर सकते हो आप। एबेल अवार्ड 2020 एबेल अवार्ड कौन से क्षेत्र में जारी होता है, गणित के क्षेत्र में जारी होता है, और किसको मिला है, हिलेल और ग्रेगरी को मिला है।
हिलेल इजराइल से और ग्रेगरी यूएसए से। कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये अवार्ड 2019 में किसको मिला है? कॉर्न को मिला है। कॉर्न कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 अक्कीथम को मिला है। कौन सी भाषा के साहित्यकार? मलयालम भाषा के साहित्यकार। 54वां 2018 में अमिताभ घोष को मिला है, पहला अंग्रेजी साहित्यकार जिसको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए आप, 33वां मूर्ति देवी अवार्ड 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और इनकी आत्मकथा है अस्थि और भवती, अस्थि और भवती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहीं से भी अवार्ड याद कर रखे हैं मैगजीन से कैसे भी, तो अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे के पास नोट्स नहीं है, करंट के लिए बहुत परेशान है, कई मैगजीन उठा रखे हैं, कई टेस्ट सीरीज, कई चैनल वॉच कर रहा है, वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने देखा जब मेरे प्यारे बच्चे इतने परेशान थे मैगजीनों से भी वो अपना करंट अवेयर नहीं निकाल पा रहे हैं और जो आपका दुनिया भर के चैनल जो चल रहे हैं उनसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक आपके लिए अपनी हैंडराइटिंग में आपके लिए एक पीडीएफ फाइल बनाई, आपके सामने लेकर आ गया, बिल्कुल स्मार्ट तरीका से आपके सामने है। तब मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से वॉच कर सकते हैं आप। सरस्वती सम्मान 2019 किसको मिला है? वासुदेव मोही को मिला है, सिंधी भाषा की साहित्यकार, पुस्तक है चेकबुक। बिहारी अवार्ड 2019 29वां बिहारी अवार्ड डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को मिला है, राजस्थानी भाषा के कवि हैं और इनकी कविता संग्रह है आंख ये का हरियल सपना। व्यास सम्मान 2019 कौन से नंबर का है? 28वां किसको दिया गया? नासिरा शर्मा और इनकी रचना है कागज की नाव। तो मेरे प्यारे जो, इनको आप अच्छे से पहले नोट करें क्या लिखा हुआ है, देखिए आप वॉच करें। देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना 2019 एंजेल मर्केल चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2019 कोस्टा रिका, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड सौरभ लोढ़ा आईआईटी मुंबई प्रोफेसर इंटरनेशनल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड 2020 किसको मिला है? मैरी के लुकास। कहां से बिलोंग? नीदरलैंड्स। उपन्यास कौन सा है? द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग 2019 में यही अवार्ड किसको मिला? जोका अलहारती। कहां से बिलोंग करती हैं? ओमान से बिलोंग करती हैं। उपन्यास इनका क्या था? सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 पंडित विद्याधर व्यास ग्वालियर घराने के गायक। मैन बुकर अवार्ड 2019 लंदन मार्गरेट एडवुड को मिला है, कनाडा। रचना है द टेस्टामेंट मेरे पैचो द टेस्टामेंट। बर्नार्डिन एवारिस्टो दोनों को जॉइंट रूप से रचना नाइजीरिया, ये कहां से बिलोंग करते हैं? नाइजीरिया। और इनकी रचना है गर्ल वुमेन अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जमुना लाल बजाज अवार्ड 2019 एच गुरु इमरान खान। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो है, एक एक अवार्ड आपके सामने है। इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड 2018 पर्यावरण थिंक टैंक विज्ञान पर्यावरण केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली। इस थिंक टैंक केंद्र को दिया गया है। रेमन मैक्सेस अवार्ड 2019 5 को ज्वाइंट रूप से मिला है। किम जोंग अंग खान रवीश कुमार भारत एनडीटीवी प्राइम टाइम पत्रकार को स्वीविन और राय मुंडो इनके देश अलग अलग आपके सामने लिखे हुए हैं। पुलित्जर अवार्ड कौन से क्षेत्र में जारी होता है? पत्रकारिता में जारी होता है। 2019 का ये अवार्ड किसको मिला है? ब्रायन एम रोसेनथाल को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है और 49वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017 विनोद खन्ना को मिला है। मरण उपरांत नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 डॉक्टर मोरिसाना मारियाना एक गिनी से है, ग्रीस से है। चलिए
आई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किरण मजुमदार शाह, जो बायोकॉन लिमिटेड कंपनी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मिस अर्थ 2019 नेलिस पीमेंटल पीटोरिको, मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी टुंजी साउथ अफ्रीका, मिस वर्ल्ड 2019 टॉनी एनसिंग जमैका कैपिटल किंगस्टन, प्रोफेसर पीसी महालोबिस अवार्ड सन 2000 सी रंग राजन आसास, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जावेद अख्तर, जर्मन बुक ट्रेड शांति अवार्ड 2020 अमृत्य सेन आसास, राष्ट्रमंडल लघु कथा अवार्ड 2020 कृतिका पांडे, रचना है द ग्रेट इंडियन। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कुछ भी आपको समझाना नहीं है, सिर्फ आपके सामने मैंने बोला है कि आपके कानों तक ये आवाज चली जाए, आपकी समझ में आ जाए कि कौन कौन से अवार्ड हैं और हमको कौन कौन से तैयार करने हैं। एक एक सारे डिक्टो क्वेश्चन अवार्ड मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तब मेरे प्याचो कहीं माइंड डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माइंड डाइवर्ट ज्यादा कर रहे हैं आप, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो गए। देखिए आप, जीडी बिड़ला अवार्ड 2019 प्रोफेसर रूप मलिक टाटा इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 रोहिणी और आरफा को मिला है। विश्व खाद्य अवार्ड 2020 डॉक्टर रतन लाल भारत मृदा वैज्ञानिक। कितने बढ़िया डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी पीडीएफ फाइल हैंड राइटिंग में बना दी गई है, आप टेलीग्राम से इसको ले सकते हो आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सर्वानंद सोनेवाल असम, डैन डेविड पुरस्कार अवार्ड 2020 गीता सेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण, नारी शक्ति अवार्ड 2020 15 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा, टेम्पलटन अवार्ड 2020 फ्रांसिसी कॉलिन यूएसए। तो मेरे प्यारे, ये सारे अवार्ड आपको तैयार करने हैं। एक एक भारत रत्न भी मैंने आपके सामने रख दिए, कौन कौन से नंबर के भारत रत्न किस किस को दिए गए, नानाजी देशमुख मरणोपरांत भूपेन हजारिका मरणोपरांत प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, अब भी उनका इनका भी निधन हो गया है। राष्ट्रीय खेल अवार्ड 100% दिल्ली पुलिस में राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2020 से क्वेश्चन आएंगे। खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 लाइफ टाइम श्रेणी अवार्ड नियमित अवार्ड, लाइफ टाइम में 8 खिलाड़ियों को मिला है, नियमित में 5 को मिला है और इसमें 13 खिलाड़ियों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड, ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, प्रशिक्षकों को मिलता है, कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड 2020 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 2020 27 खिलाड़ियों को मिला है, टोटल की बात करोगे तो 60 है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 खिलाड़ी, धनराशि कितनी है 25 लाख। तो राष्ट्रीय खेल अवार्डों में जो धनराशि बढ़ी है वो 3 गुना धनराशि बढ़ाई गई है, 25 लाख। 5 खिलाड़ियों को मिला है, रोहित शर्मा मरियप्पन मनिका बत्रा विनेश फोगाट रानी रामपाल, तब मेरे पैसे इन 5 को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, यह खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, जो लाइन मैंने बोली यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही है, द्रोणाचार्य में आप देख सकते हो आप धनराशि और इसमें आपका ध्यानचंद अवार्ड में भी देख सकते हो आप। तब मेरे पैचो इनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तब मेरे पैचो अच्छे से मेहनत करें, एक एक अवार्ड एक एक खेल अवार्ड जिस जिसको दिया गया है, दुर्बल टेनिस चैंपियनशिप खेल अवार्ड, तो ये सब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फीफा रैंकिंग महिला गोल्फ ओपन ऑस्ट्रिया फॉर्मूला 1 रेस ओपन, तीसरे एशिया युवा खेल, कुछ खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित हैं वो सब भी आपके सामने हैं। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 भी आपके सामने रख दिए गए हैं, बड़े डिक्टो तरीका से मेरे प्यारे, जो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसमें मेरी कोई स्पीड नहीं है, ये मेरे प्यारे सिर्फ पीडीएफ फाइल है, आपको सिर्फ समझाया गया है, सही लाइन में सही ट्रैक पर रहे, मेहनत करें, एक एक क्वेश्चन को पढ़ लें। टेलीग्राम से इसको आपके दिशा एकेडमी दादरी चैनल के टेलीग्राम पर ये डली हुई है, पूरी पीडीएफ फाइल आप वहां से ले सकते हो आप। एक एक मेरा प्यारा बच्चा, किसी मेरे प्यारे बच्चे का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आगामी खेल भी आपके सामने रख दिए, एक एक आगामी खेल, कहीं पर भी आपको 10-20 2-4 मैगजीन खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, चैनल वॉच करने की जरूरत नहीं है,
पूरा पीडीएफ आपके सामने है, आप यहां से आप इसको वॉच करने के बाद पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं आप अच्छे कंटेंट के साथ। पूरी योजना 2014 से अब तक की जो योजना सम इंपॉर्टेंट योजना है वो भी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। डिक्टो है कौन सी योजना कब चलाई गई, कौन सी योजना का क्या उद्देश्य है, सब यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां से नोट कर सकते हो। टाइम का अभाव है, टाइम कम है, इसीलिए पूरी पीडीएफ फाइल को मैंने आपको सिर्फ आपको दिखा सकता हूं। यहां पर देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक योजना आपके सामने है मेरे प्याचो। देखिए आप ये दिशा एकेडमी दादरी चैनल है, बहुत दिन पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि क्वालिटी के साथ दिशा एकेडमी दादरी चैनल कभी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता है, ये आपके सामने दिख रहा है। एक एक पीडीएफ फाइल, एक एक क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने है और जितना भी अब जो करंट अफेयर्स एक महीने का अपडेट हुआ है उसे भी एक्सप्रेस में आपके सामने लेकर आऊंगा, जल्द लेकर आऊंगा, एक या दो दिन में वो भी आपके सामने आ जाएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आज अगर आपको विद स्पेस की क्लास पसंद आई है, जितनी भी पीडीएफ फाइल मैंने आपको पढ़ाई है, दिखाई है, बताई है, टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हो, आप वॉच कर सकते हो आप। तब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।